हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ITR 2 काफ़ी सारे रेगुलर बच्चे के स्टूडेंट जो है वो काफ़ी डरे हुए हैं कि सर रिटर्न कैसे फाइल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिटर्न फाइल करना बहुत आसान है। इसमें आपको लंबा चौड़ा कोई प्रैक्टिस नहीं करना। सिंपल, आप एक फॉर्म भरते हो, किसके लिए कौन सा ITR होगा उसकी वीडियो मैंने अलग से बना के डाल दिया है। इस वाली वीडियो में मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप उसे देखो और इजीली ख़त्म कर पाओ। पहले हम सीखेंगे सर, फाइल करने से पहले यानी ITR जब हम फिल करेंगे अपने एक्सेल यूटिलिटी में तो किन किन बातों की सावधानी रखनी है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चंस दिया जाएगा, उस क्वेश्चंस में सारी डिटेल होगी, उसके अकॉर्डिंग करना है। तो मैं पहले बोल दूं, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो आपका कोई अगर सोचता है कि इस वीडियो को देख के हम नॉर्मली किसी और का रियल लाइफ में ITR 2 फाइल कर देंगे, समझ तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वीडियो के अंदर हम कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। पहले ये चीज़ें मैं बता दूँ आपको। चलिए सर, क्योंकि फिर कमेंट में काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने ये करवाया नहीं, ये छुड़वा दिया, ये चीज़ तो रह गया है, आपने बताया नहीं। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चंस गिवन होगा, क्वेश्चन को समझिए, फॉर्म में कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन समझना है। देखिए यहाँ पे केस नंबर 1 आपके सामने है, जैसे कि SSC का नेम, तो यही नेम आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपका फादर नेम, वैसे इसके अंदर फादर नेम का कोई काम नहीं होगा, ITR 2 के अंदर कहीं भी फादर नेम नहीं पूछा जाता, तो ये काम का नहीं है। हाँ, पेन नंबर, ये SSC का पेन नंबर है, SSC का डेट ऑफ बर्थ दोनों पूछा जाएगा। अगर आपने आगे पीछे डाला तो वो रिजेक्ट कर देगा, आपका जो एक्सेल है वो लेगा ही नहीं। SSC का एड्रेस है, सिंपल सी बात है, मोबाइल नंबर दे रखा है, मोबाइल नंबर आपका कंट्री कोड पहले से लगा होगा, बस मोबाइल नंबर टाइप करना, ईमेल आईडी है। इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर वो बताएगा भी कि सर आप 182 डेज वाला कंडीशन पूरी कर रहे हैं या 60 डेज, इसका ऑप्शन भी मिलेगा आपको वहां पे। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि जनरल इंफॉर्मेशन में फिल करना है। अब यहाँ पे आता है सर इनकम टैक्स रिटर्न, ओरिजिनल रिटर्न रिवाइज। तो सर जो इनकम टैक्स होता है ना हमारा, इनकम टैक्स रिटर्न, सर इनकम टैक्स रिटर्न ना काफी तरीके से होता है। एक तो होता है हम फाइल करते हैं बिफोर ड्यू डेट, बिफोर या ऑन ड्यू डेट, यानी आपको 31 जुलाई को अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना था और आपने 31 जुलाई वाले दिन या उससे पहले भर दिया, मतलब सब कुछ ठीक ठाक समय पे कर दिया आपने, लेट नहीं हुए। एक होता है हमारा लेट, आपका 31 जुलाई का समय निकल गया और फिर भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको देता है कि आप भरिए। तो यहाँ पे सिचुएशन में अगर आपकी रिटर्न निल है तो ₹1,000 का पेनल्टी है, और अगर कोई भी टैक्स लाइबिलिटी है तो वहाँ आपकी ₹5,000 की पेनल्टी बनती है लेट वाली में। दूसरा मेजर डिफरेंस है सर, आपने जो पहले भरा था और जो लेट भरोगे, तो लेट के अंदर यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, ओल्ड रिज्यूम में भी ले सकते हो और न्यू में भी ले सकते हो। लेट में आपको ओल्ड में ही जाना पड़ेगा, न्यू का कोई प्रावधान प्रोविजन है ही नहीं अगर लेट होते हो। तीसरा आपको जो समझना है, जो मेनली तीसरा तीन ही समझना है कि सर कई बार ऐसे होता है हमने पहले 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करते टाइम पे जल्दी जल्दी रिटर्न फाइल कर तो दिया, कुछ चीज़ें वहाँ गलती रह गई थी, हमने सोचा बाद में देख लेंगे, तो इनकम टैक्स आपको यहाँ पे रिवाइज करने का ऑप्शन देता है, रिवाइज करने का। तो हमारे सिलेबस में ओरिजिनल रिटर्न है तो हम ओरिजिनल रिटर्न की बात करेंगे। जब मैं ITR फिल करके आपको दिखाऊंगा तो आपको उसके साथ साथ मैं और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं डाल दूंगा, जैसे कि ओरिजिनल रिटर्न के अलावा और क्या क्या चीज़ें होता है, जैसे कि लेट में कब होगा, तो कुछ कुछ बातें डिस्कस करता जाऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए इनफ रहेगा। सर नेम ऑफ एड्रेस एम्प्लॉयर, सर ये एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉयर मतलब जहां आप नौकरी करोगे। पहली बात, ITR 2 किसको भरना है, जिसकी सैलरी से इनकम है और एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है उसको ITR 2, और किसी कंपनी का डायरेक्टर है, अनलिस्टेड शेयर्स है और एग्रीकल्चर इनकम ₹5,000 से ऊपर है, तो ऐसे लोगों को ITR 2 भरना पड़ता है, और 50 लाख बेसिकली से ऊपर इनकम होना चाहिए। ये ITR 1 का ही एक्सटेंशन है एक तरीके से बेसिकली। तो सर डायरेक्टर ऑफ कंपनी अगर
हो तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं है यानी सर ये दोनों चीज़ें हमारी नहीं है जो कि सही है हमारे लिए। बैंक अकाउंट कौन कौन सा है ये चीज़ें। अब सर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, मुद्दे की बात ये है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए सो दैट आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है और कैसे करना है, वो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं कि सर क्वेश्चंस करने के लिए क्या हमें पूरा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो क्वेश्चन जब स्टार्ट होगा तो क्या स्टार्ट होगा, क्वेश्चन में आपको हेड दे देगा सैलरी से इनकम और आपको साथ के साथ हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन हुआ तो कैपिटल गेन और साथ के साथ अदर सोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी पांचों हेड्स को आपको अलग अलग कैटेगरी में बांट के दे देगा और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा कि आपको बिल्कुल परफेक्ट हो उस चैप्टर के अंदर, बस फिल करना है ध्यान रखिएगा। तो पहले तो ये दिमाग से बर्डन निकाल दीजिए। सर सैलरी के अंदर भी देखिए आपको ये सारी चीज़ें देगा निकाल के, जैसे इसने बेसिक सैलरी दे दिया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे दिया, लंच अलाउंस दे दिया, टैक्सेबल दे दिया। यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि आपको सब कुछ कैलकुलेट करके देगा, यहाँ पे आपको एचआरए जानने की जरूरत नहीं है, सब देगा कितना एग्जेम्प्ट है कितना टैक्सेबल है। सैलरी चैप्टर जिस बच्चे को आता है चाहे नहीं आता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा, रिटर्न फाइल कर पाएगा, ठीक है सर। इसके बाद लीज हो गया, लीव्स एनकैशमेंट, यानी ये सारी सैलरी की डिटेल है। ऐसे सर हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल, यहाँ पे दो तरीके के डिटेल हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका लेट आउट का डिटेल दे दे और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड का दे दे। सेम अदर मुद्दे की बात है, कई बार यहाँ पे जैसे कि देखिए आप बैंक इंटरेस्ट है, काफी सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक करेंगे और परेशान भी होंगे, यहाँ पे देते हैं हमेशा नेट ऑफ टीडीएस। तो हमें समझना है कि सर टीडीएस क्या होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सर टीडीएस, हालांकि टीडीएस सिर्फ हम सुनेंगे, टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है सर, बहुत सिंपल सी बात है कि इसके अंदर जैसे आपको कोई भी खर्चा होता है, आपका कोई भी इनकम आने वाला है, हम इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो आपकी इनकम कहां कहां से हो सकती है, सैलरी से हो सकती है, आपकी इनकम रेंट से हो सकती है, आपका इनकम इंटरेस्ट से हो सकता है। मैं तीन एग्जाम्पल ले रहा हूं जो कि ज्यादा से ज्यादा यूज होगा। काफी बच्चे परेशान थे सर कराओ कराओ कराओ, तो मैंने थोड़ा सा मैंने सोचा इस तरीके से कराएं कि सभी बच्चा पास हो जाए तो ज्यादा नहीं आपका टाइम लगेगा। अब आपकी सैलरी मान लीजिए 5 लाख रुपए है, आपका जो एम्प्लॉयर है ना, ये एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट क्या कहता है कि सर सभी का टीडीएस काटिए, मतलब इनको जो पैसा है ना इनका टैक्स काट के इनको दीजिए। यानी आपकी इनकम अगर 5 लाख रुपए है तो इन्होंने क्या करा 10% सपोज काट लिया, तो 10% काटने के बाद आपके पॉकेट में पता है कितना आया सैलरी, आपको सैलरी जो मिला वो मिला 4,50,000 और इसके ब्रैकेट में मैंने लिख दिया नेट ऑफ टीडीएस, इसके ब्रैकेट में लिख दिया नेट ऑफ टीडीएस 10%। इस शब्द का मतलब है कि सर जो आपको सैलरी मिला है ना इसमें से 10% काट के टीडीएस दे दिया गया है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सर अगर हमें 10% काट के टीडीएस दिया गया है तो हमें जो सैलरी फॉर्म में भरना होता है वहां पे ग्रॉस भरना होता है। सेम मान लेते हैं रेंट हमारा है और रेंट हमारा है मान लेते हैं 10 लाख रुपए का, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, और रेंट को ऊपर आपका जब कभी भी आप रेंट रिसीव करोगे तो जो रेंट पेयर है वो टीडीएस काट लेता है, तो वो टीडीएस काट के आपको 10 लाख नहीं देगा, मान लेते हैं इस पर भी 10% काट के तो आपको कितना देगा 9 लाख। तो आपका जो यहाँ पे एचपी यानी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आएगा वो 9 लाख आएगा, वो भी क्या हो सकता है नेट ऑफ होके हो सकता है 10%। सर रेट क्या होगा, आपको रेट पे नहीं जाना, रेट तो आपका यहाँ पे 2% भी है, 1% भी है, 10% भी है, अलग अलग रेट है सिचुएशन, उस पर हमें नहीं जाना, हमें सब कुछ गिवन होगा। सर इंटरेस्ट में भी अगर इंटरेस्ट मान लो 5 लाख रुपए है, बैंकर इस पे टीडीएस काट के आपको 4.50 देंगे, तो मुद्दे की बात है सर अगर आपको ये 4.50 दे रहा है, आपको पता है यहाँ पे कि सर सैलरी हमारी 5 थी 4.50, लेकिन आप 4.50 को 5 में कन्वर्ट कैसे करेंगे क्योंकि आपको पता नहीं होगा, तो हमारा ग्रॉस अप करने का क्या होता है, ग्रॉस अप कैसे करेंगे सर, ग्रॉस अप जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी सैलरी दे रखी है 4.50, तो 4.50 को आप क्या करोगे डिवाइडेड बाय कितने परसेंट यहाँ पे टैक्स कटा है सर 10, तो इसका मतलब डिवाइड करेंगे 90, यानी 100 में से वो जितना भी कट चुका है उसको माइनस कर देंगे
और इनटू में क्या कर देंगे सर 100। तो ये देखिए हमारे सवाल का आंसर आ गया 5 लाख रुपए। यानी आपका जो भी ग्रॉसअप कर रखा है, नेट कर रखा है, उसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा, और जिसमें नहीं काटा हुआ उसको करने की जरूरत नहीं है। सेम सर अगर इसको करके दिखाइए आप, तो देखिए 9 लाख, कितने परसेंट टीडीएस करा है 10, तो डिवाइडेड बाई 90, और इंटू में हमेशा 100 रखेंगे, तो ये आ गया देखिए 10 लाख। तो पहले तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए। सेम आप मुझे फटाफट से आप भी देखिए, मैं यहां निकाल के दिखाऊंगा। यहां पे कहता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ साथ कहता है एफडी, एफडी पे इंटरेस्ट है जिसके ऊपर नेट ऑफ टीडीएस 10%। सर 10% का ना इन्होंने टीडीएस काट लिया, अच्छा नहीं किया, 10% टीडीएस इन्होंने काट लिया है, ठीक है ना सर। 10% टीडीएस काटने के बाद आपको पेमेंट कितना मिला है सर, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा तो 9 लाख। तो जब हम डिटेल फिल करेंगे अदर सोर्स में, तो ये नहीं भरना, इसको ग्रॉस अप करना होगा। कैसे ग्रॉस अप करेंगे सर, 9 लाख और कितने परसेंट कटा 10, तो डिवाइडेड बाई 90 इंटू में 100, ये है 10 लाख रुपए हमारी इससे इनकम मानी जाएगी। जिसके आगे टीडीएस के बारे में बोला जाए वहीं पे आपने टीडीएस काटना है, बाकी के अंदर टीडीएस नहीं काटना है। सर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट सर सिंपल अदर सोर्स का इनकम है, तो यानी कुछ अदर सोर्स का भी इनकम दे दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, यानी सर अदर सोर्स का आपको अलग से जब कैटेगरी दे रखा है, तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना कि अदर सोर्स में क्या आता है नहीं आता है, आपको सिंपली फिल करना है। हाँ कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा जैसे कि आपको याद रखना है, जो कि एक अदर सोर्स चैप्टर है गिफ्ट वगैरह में 50,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, ये चीजें ध्यान रखना है अदर रिलेटेड। इसके बाद सर डिडक्शन देगा आपको, ATC देगा, जो भी डिडक्शन होगा सब कुछ बता देगा सर आपको, और सब कुछ फॉर्म में मिलेगा। चलिए सर इसके बाद हम बात करते हैं इसी तरीके से, मैंने यही कोशिश किया है। चलिए कहाँ गया, साथ के साथ आपको और क्या इनकम देखने को मिल सकता है, यहां देखिए ध्यान दीजिए सर। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स यानी जहां जहां से टीडीएस कटेगा वो बताएगा। तो देखिए एक तो आपका बैंक वालों ने इंटरेस्ट पे काटा है टीडीएस कितना 1 लाख रुपए, तो आपको ध्यान है यहां पे मैंने यहां पे ग्रॉस अप करके 9 को 10 करा था, तो 10 होगा हमारा जिसमें से, तो 1 लाख का, तो सर ये टीडीएस वाले कॉलम में जाएगा। कैसे भरना है वो तो मैं फॉर्म में बताऊंगा। जब भी टीडीएस काटा जाता है उनका एक 10 नंबर होता है, 10 नंबर होता है जैसे पैन नंबर होता है ना परमानेंट अकाउंट नंबर, ऐसा है वहां उनका होता है टीडीएस डिडक्शन का नंबर 10 नंबर होता है, तो वो नंबर भी आपको वहां फिल करना है जो भी काटेगा। वहां पे क्या क्या डिटेल पूछेगा कि भैया किसने काटा है, बैंक ने काटा है, इंटरेस्ट पे काटा है, ये डिटेल। अब बात करते हैं सर एक पॉइंट आएगा एडवांस पेमेंट का। हमारा इनकम टैक्स हमें एडवांस पेमेंट कर जाता है अगर हमारे 5,000 से ऊपर की टैक्स लाइबिलिटी बनती है, तो उसके अकॉर्डिंगली एक सेट है रूल, तो मैं अभी एग्जैक्ट डिजिट नहीं डिस्कस कर रहा, आपको एडवांस टैक्स देना होता है। तो एडवांस टैक्स जब भी देते हैं तो आपका एडवांस टैक्स का ये चालान नंबर होता है, और साथ के साथ आपका BSR कोड होता है, फॉर्म के अंदर आएगा आपको, आपको फिल करना है। सर चालान नंबर क्या होता है, चालान नंबर जब हम जैसे कि फॉर्म जमा करवाने जाते हैं तो जो सीरियल नंबर होता है, दैट काइंड ऑफ चालान नंबर, ठीक है। इसके बाद सर एसेट्स का डिटेल, लास्ट में हमें एसेट्स का डिटेल डालना है, एसेट्स और लाइबिलिटी का। आपको सारे एसेट्स और लाइबिलिटी, तो यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू गिवन होगा, तो जो ओरिजिनली आपने खरीदा है वो वैल्यू डाल देना है। मार्केट वैल्यू आपका जो भी है वो वैल्यू हमें नहीं डालना, जितने का खरीदा हुआ है वो वैल्यू लेके चलेंगे। सेम ऐसे प्रॉपर्टी की डिटेल होगी, वहां फिल करेंगे, ऐसे ही करना होगा। कैश इन हैंड और बहुत सारे जो कॉलम वहां पे अवेलेबल होगा उसको हम 0-0 कर देंगे। चलिए हम अब चलते हैं फॉर्म के ऊपर, फॉर्म के अंदर फॉर्म को समझ लेते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। हाँ उस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी थोड़ी डिटेल बढ़ेगा, जो कि आप क्वेश्चन भी देखिए और उस फॉर्म के अंदर जाइएगा और वो फॉर्म ओपन करके आपको मिल जाएगा। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो करना नहीं चाहता, पर बता नहीं पाए समझाने समझाने में बन जाती है, अब क्या करें, अब ये थोड़ी सी कमी मान लो कुछ भी मान लो। चलिए आ जाते हैं सर फॉर्म के ऊपर। सर फॉर्म की बात कर रहे हो आप, हाँ जी ये हमारे सामने फॉर्म है। सबसे पहले जब फॉर्म ओपन करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ये थोड़ा सा छोटा करना है, ठीक है, होपफुली आपको पूरा फॉर्म दिख रहा होगा। तो फर्स्ट फॉर्म जो है हमारा वो है जनरल इन्फॉर्मेशन, पूरे फॉर्म को समझ लेते हैं फिर हम वन बाय वन फिल करेंगे। फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे इनेबल करना होगा क्योंकि इसके अंदर माइक्रोज लगे होते हैं। माइक्रोज क्या होता है सर, एक्सेल के अंदर ऐसे फॉर्मूले लगाए जाते हैं जो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो सर यहाँ सबसे पहले इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल के बाद आप यहाँ पे लिखा हुआ आ गया सर, क्या क्या लिखा हुआ आ गया आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ बताता भी जाता हूँ। सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रीन सेल, जो ग्रीन सेल है फॉर द डेटा एंट्री, जहाँ ग्रीन ग्रीन है यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन है, इस टाइप का जो डेटा सेल मिलेगा डेटा एंट्री। रेड
आपका जहां लेवल लगा है वहां मैंडेटरी, वहां फिल करना ही करना है। अगर रेड वाले पे आपने फिल नहीं किया तो वो भाई फिर दिक्कत हो जाएगा। कैलकुलेशन डू नॉट यूज, आप सॉरी कॉशंस आपको ध्यान रखना है, यहां पे कंट्रोल कॉपी पेस्ट का नहीं चलने वाला क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ है हमारा माइक्रोस। ठीक है सर, इसके बाद इसको ओके करिएगा। आपका यहाँ पे कुछ शीट्स आ जाती है, आपके यहाँ पे टोटल देखा जाए तो 29 है। अगर मैं बात करूँ तो सर यहाँ पे 29 टोटल फॉर्म है। अब एक एक करके हम फॉर्म को भी समझ लेते हैं। चलिए सर एक एक करके फॉर्म को समझ लेते हैं कौन सा काम का है। बच्चे 29 देख के ही पहले आधी हालत खराब हो जाती है, तो मैं इसीलिए सिर्फ बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहा हूँ। सर पहले जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको अपनी डिटेल भरनी पड़ती है, जैसे आपका नाम, एड्रेस, पता और जहाँ काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आपका, ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है। इसके बाद शेड्यूल एस आ जाता है। शेड्यूल एस में सैलरी, अगर आप 2 एम्प्लॉय पे काम कर रहे हैं, 3 एम्प्लॉय, जितनी भी सैलरी होगी, सैलरी सब कुछ डिटेल मिलेगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी सर जनरल इन्फॉर्मेशन एक बार दिखा दीजिए, नजरिए कैसे रहेंगे। सर यहाँ पे क्लिक करते ही आ जाएंगे, अगर यहाँ से नहीं आ सकते तो दूसरा होम से आ सकते हैं। सर आप होम से देखिए, आप डायरेक्ट चले जाएंगे उस जगह पे और जनरल इन्फॉर्मेशन से आ गए। जनरल 2 इन्फॉर्मेशन है सर। जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या फिल करना है, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ, वैसे मैं इस पर कराने का आपको विजुअल है नहीं है, मैं एक बार ये भी देख लूँ सर मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसमें आपको बता दूंगा। तो सर जनरल इन्फॉर्मेशन में देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इनेबल हो जाएगा, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो ये सारा जनरल इन्फॉर्मेशन कैसे फिल करना है, बेसिक चीज़ें, इसको अभी मैं सिर्फ फॉर्म समझा रहा हूँ कौन कौन से फॉर्म भरने हैं। इसके बाद कैसे फिल किया जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है मैं पूरा करके दिखाऊंगा और वो स्क्रीन मैं सामने आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना सर। चलिए सर जनरल इन्फॉर्मेशन आ गई, अब आगे बढ़ते हैं हम जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद आगे चलते हैं सर, और क्या आ जाते हैं पार्ट शेड्यूल सैलरी। सर सैलरी के अंदर आपका देखिए क्या क्या भरना होता है, क्या क्या फिल करना है, आपका नेचर, एम्प्लॉयर का नाम और एम्प्लॉयर का क्या नेचर है काम करने का, देखिए मैंडेटरी है भरेंगे, जैसे क्या नाम है, नहीं है, पिन कोड, टाउन, सिटी वगैरह, मैं भर के दिखाऊंगा। यहाँ पे सैलरी के 2 सेक्शन होते हैं, मैं समझा देता हूँ सर। 2 सेक्शन कौन सा होता है हमारा, 3 सेक्शन में है, 17(1), 17(1), जिसके अंदर आपका सैलरी से रिलेटेड है सारी चीजें। सर ब्लैंक भरना कैसे, जैसे ही आप इसके ऊपर टैब करेंगे ना, यहाँ पे एक एरो आ जाएगा और एरो के बाद यहाँ पे आपके सारे खुल जाएंगे, क्या क्या भरना है, बेसिक सैलरी है, डीए है, कन्वेंस है, हाउस रेंटल अलाउंसेस है, और भी ड्रैग करेंगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएगा यहाँ पे आपको। जो चीजें आपको नहीं मिलती है उसको आप अदर में डाल के यहाँ पे कर देंगे सर। पहली बात, 2 कॉलम पहले से गिवन है सर, अगर हमारे पास बहुत सारी चीजें हुई तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कॉलम ऐड करने के लिए आप जब नीचे 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 जाएंगे तो नीचे रॉ ऐड का ऑप्शन होगा, 1 में ऐड करना है 2 में ऐड करना है 3 में ऐड करना है, तो 1 में ऐड करने के लिए एक ऐसा ओपन होगा, 1 रॉ ऐड कर देंगे, अगर आप वहां पे 2 लिखेंगे तो 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पहले 2 दिख रहा था, अब 3 दिख रहा है। फिर से मैं एक ऐड करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कितने 3 है, मैं 2 3 है, एक और ऐड करना चाहता हूँ, तो आप देखिएगा एक और ऐड करते हैं। चलिए सर एक और कहाँ गया, नीचे था, अच्छा सर एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ये लीजिए एक और ऐड कर दिया, कितने करने, नंबर ऑफ रॉ ऐड, तो यहाँ पे 1, 2, 3 कर सकते हैं, मैंने एक और ऐड कर दिया। चलिए सर आ गया ऐड, ये माइक्रोज है, सिस्टम थोड़ा हैवी चाहिए, मैकबुक वाले बच्चे अपने अकॉर्डिंग करेंगे, और कई बार ये थोड़ा सा जब क्लिक करोगे तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा, तो आपको डरना नहीं है। देखिए 4 कॉलम आ गया यहाँ पे सर, यहाँ पे देखा जाए तो 2 सैलरी है, 4 कॉलम आ गया, मैं 4 कॉलम में भर देता हूँ। सबसे पहले मान लेते हैं बेसिक सैलरी है, जो भी बेसिक सैलरी होगा यहाँ अमाउंट फिल कर देंगे, और यहाँ पे दूसरा देखा जाए और क्या होगा सर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका दूसरे रॉ में जाएंगे तो बेसिक के पास DRNS अलाउंसेस हो गया, तीसरे रॉ में आ गया, तीसरे रॉ में हमें कन्वेंस अलाउंसेस हो गया, चौथे रॉ में आ गए, चौथे रॉ में हाउस रेंट अलाउंसेस, जो जो दे रखा होगा वही लिखना है, और भी रॉ चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। जो ग्रे कलर का होता है ना, यहाँ पे आपको भरना नहीं होता, ग्रे कलर वाले पे आपको फिल नहीं करना है। यहाँ पे 3 कलर है, एक तो रेड कलर मैंडेटरी है, ग्रीन कलर के अंदर फिल करना है, ग्रे कलर का मतलब आपको वहाँ भरने की कोई आवश्यकता नहीं है सर। ऐसे यहाँ पे इस फॉर्म में ना 2 एम्प्लॉयर दे रखे हैं आपको, 2 एम्प्लॉयर मतलब 2 जगह नौकरी कर रहे हो, तो आपका हालांकि एक ही आएगा तो ये आपके लिए यूजलेस हो जाता है, ठीक है सर। दूसरा जैसे ही आपने यहाँ भरा, दूसरे की भी बात कर लेते हैं, परकेजेट्स, परकेजेट्स में जैसे कि आपका क्या आता था, कार फैसिलिटी वगैरह, यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन है, देखिए मोटर कार वगैरह सब चीज़ आपको मिल जाएगा, तो वो अमाउंट आपने यहाँ फिल करना है, ठीक है।
सेक्शन 30(3) जो है हमारा 17(3) प्रॉफिट इन लियू ऑफ सैलरी, प्रॉफिट जो आपको लियो सैलरी जैसे इसॉप वगैरह मिलता है वो चीजें यहाँ लिखा जाता है। तो ये थर्ड तो आपके काम का है ही नहीं, तो फर्स्ट और टू पे फोकस करिएगा आप, ज्यादा नहीं, आप एक बार फॉर्म भरिए आपको सारा आ जाएगा सर। इसके बाद आप जैसे ही ये फॉर्म खत्म होता है ना, नीचे एक पॉइंट किया हुआ है एग्जम्पशन, जैसे एचआरए में कितना एग्जम्पशन मिलेगा, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन में कितना एग्जम्पशन मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जांपल आपका रेमुनरेशन रिसीव में कितना एग्जाम्पल है, जितने भी आपके सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कि मैं यहाँ दिखा दूँ 6 में कितना है, सारे सेक्शन के मिल जाएंगे आपको यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन में। तो यहाँ वाले जो जो है ना स्टार्टिंग वाले, इसके अंदर पूरा पूरा जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है आपका, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस यहाँ तो आपने डाल दिया, लेकिन उसके अंदर 100 रुपये पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट भी होता है। तो एग्जेम्पशन यहाँ नहीं डालना, यहाँ फुल अमाउंट डालना है। और इस फुल अमाउंट को डालने के बाद हमारा सारा का सारा, मैं थोड़ी जल्दी जरूर कर रहा हूँ कम छोटी वीडियो बनाने के चक्कर में, और जितना पार्ट एग्जेम्प्ट होगा यहाँ, एचआरए 2 लाख का मिला सपोज करो, मैं एक समझा भी देता हूँ एग्जाम्पल, तसल्ली मुझे हो जाएगी। 2 लाख रुपये का एचआरए मिला आपको, इसमें से 50,000 रुपये एग्जेम्प्ट है, तो 2 लाख रुपये तो आप ऊपर भरेंगे, एग्जेम्पशन वाले में आके फिर आप 50,000 रुपये यहाँ फिल करेंगे। ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट रहता है, ठीक है सर। ये था सर सैलरी का सारा। जैसे ही करेंगे, करने के बाद आपको ना एक मैं फॉर्म भरूंगा तो दिखाऊंगा, यहाँ पे एक वैलिडेट का ऑप्शन आता है, वैलिडेट करेंगे, अगर ये ओके कर देता है ठीक है, अगर एरर होगा तो खुद ही बता देगा सर ये एरर है इसे चेक कर लीजिए। नंबर 2 शेड्यूल है हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी में आपको सारी चीजें फिल करना है, जैसे आपका प्रॉपर्टी का क्या कहाँ किस कौन सा प्रॉपर्टी किस टाउन में किस स्टेट में, यानी बेसिक बेसिक चीजें हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, यहाँ जहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन होता है ना ड्रैग डाउन आ जाता है कि आपका यस है सेल्फ ऑक्यूपाइड पिन नंबर या नो है, नो करेंगे अगर आप को ओनर है या नहीं है, सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। काफी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर को ओनर का बात बता दीजिए, को ओनर का कुछ भी नहीं है आपके सवाल में आता है, तो यहाँ पे को ओनर की डिटेल डाल देंगे, एक ओनर है पैन कार्ड, उसकी सारी डिटेल होगा। तो एग्जामिनर पता है क्या चाहेगा, बस आपसे आईटीआर फिल करवाना चाहेगा, और इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करे कि उनको क्वेश्चन इतना लेंथी बनाना पड़ जाए, तो सिंपल सी बात है सर एचपी का बेसिक बेसिक डिटेल है। अब यहाँ पे जैसे ही आएंगे हमारा टोटल आ जाएगा, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हुआ तो हमारा यहाँ इंटरेस्ट नहीं देना होगा, अगर लेट आउट हुआ तो इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, म्युनिसिपल टैक्स जैसे ये है ना आपका टैक्स पेड टू द लोकल अथॉरिटी, ये है म्युनिसिपल टैक्स देना होगा। उसके बाद आपका बोरिंग पे कितना जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है सेल्फ ऑक्यूपाइड 2 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता, कैन नॉट एक्सेड इफ नॉट लेट आउट नहीं हो सकता सर। इसके बाद फिर से और भी घर ऐड करने हैं ना, तो ऐड करने के यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐड करते रहिए, को ओनर को ऐड करते रहिए, जो भी चीज़ें ऐड करना है सर। आ जाते हैं अब कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में भी सेम, आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है, कितने का वैल्यू प्रॉपर्टी था, कितने का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सेशन। हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि उनको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो सर ये कैपिटल गेन के अंदर है। इसके बाद फिर 54B का जो डिडक्शन है वो डिडक्शन देना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। एक तरीके से आप ना ये फॉर्म भर के ना बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो बेसिक बेसिक सी चीजें देनी है, पैन नंबर वगैरह डिटेल वगैरह, उसके बाद सारा कैलकुलेशन ये ऑटोमेटिक मोड पे करता है। हाँ कैपिटल गेन का देखिए कितना बड़ा फॉर्म दे रखा है इन्होंने कैपिटल गेन का, तो मैं कहूंगा कैपिटल गेन का बहुत रेयर केस है कि आपसे पूछा जाए। हाँ आपका इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर्स वगैरह वाले में कुछ पॉइंट अगर पूछेगा नहीं, फिर भी मैं एक क्वेश्चन ऐसा करूंगा आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन नंबर 1 करा दूंगा जिसके अंदर हाउस प्रॉपर्टी का रहेगा, एक क्वेश्चन और करा दूंगा जिसमें कैपिटल गेन भी रहेगा, तो उसके हिसाब से सारा फिल करके मैं करवा दूंगा आपको। मेरी कोशिश यही है कि रेगुलर, देखो एसओएल के अंदर और नॉन एनसी वेब में ये है नहीं, रेगुलर कॉलेज के अंदर है सिर्फ, तो रेगुलर वाले बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा सर। इसके बाद आ जाइए सर शेड्यूल 112 है, 112A के अंदर लिस्टेड शेयर्स की डिटेल डालनी है, अगर आपने खरीद रखी है तो जो जो शेयर है, जैसे कि यहाँ पे शेयर के यूनिट कितने हैं, 500 यूनिट है, सिन नंबर होता है, एसआई आपका आईएसआई इन नंबर होता है वो डालना है, नंबर ऑफ शेयर यूनिट कितने यूनिट है, नंबर ऑफ शेयर यूनिट आपके किस किस कैटेगरी के हैं वो सारी चीज़ें डालना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने का था, उसको कितने का खरीदा है, जो बेचोगे, क्योंकि सर ये कैपिटल गेन का ही पार्ट है, कैपिटल गेन के अंदर ही होना चाहिए, लेकिन 112A को थोड़ा सा अलग कर दिया गया, तो कितने का खरीदा कितने का बेचा शेयर्स वो बताया था ना 112A वाला सर। शेड्यूल 115AD, इन सभी चीज पे आपसे ज्यादा कुछ ऐसा पूछा नहीं जाएगा, अदर सोर्स पे आ जाते हैं सर ये काम का है। यानी सर एक हमें शेड्यूल एस भरना है, हाउस प्रॉपर्टी भरना है, सीजी आया तो सीजी भरेंगे, इसके बाद सीधा आना है आपको अदर सोर्स पे।
अदर सोर्स में आप देखेंगे यहाँ पे तो सारी इनकम आपको दिख जाएगी। जैसे कि आपका यहाँ पे क्या क्या इनकम गिवन है, सबसे पहले सर डिविडेंड, डिविडेंड हमारा 1 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट होता है, बाकी टैक्सेबल हो जाता है। इसके बाद डिविडेंड अदर, अलग अलग डिविडेंड है अदर सोर्स चैप्टर के अंदर, जिन्होंने बच्चों ने कर रखा है उनको समझ में आ जाएगा, जिन्होंने नहीं कर रखा उनको समझ नहीं आएगा। सर आगे की बात करते हैं हम डिविडेंड इनकम के बाद, सर सेविंग बैंक से इंटरेस्ट वगैरह, तो यानी अदर सोर्स में कितने इनकम आते हैं वो सारी चीजें यहाँ है। इसके बाद सर कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी अदर सोर्स में क्या क्या इनकम आ सकता है वो सारा फिल करना है, उसके बाद आपको वैलिडेट कर देना है इसको। सर फिल करने का तरीका, अब सिंपल सी बात है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिख जाता है, मैं भी क्वेश्चन जो करूंगा तो वो प्रॉपर करके दिखाऊंगा एक क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा। हमें 29 के 2900 कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं। CYLA आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस शेड्यूल है, इससे आपका कोई लेना देना सर नहीं होता आपका, ये इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना सर। हाँ सर यहाँ पे आ गया आपका CFL, इसके अंदर भी इतना ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। एक मिनट, एक यहाँ पे फॉर्म हमें भरना होगा, अदर सोर्स हो गया आपका, प्रोविजन नहीं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम डिडक्शन पे। सर डिडक्शन की बात करें तो यहाँ पे डिडक्शन होगा सर, डिडक्शन किस चीज का होगा, ATG का। आपको कैसे देना है, आपको यहाँ पे जैसे सेलेक्ट कर रखा है ना, आप ढूंढ लीजिए, यहाँ पे प्रैक्टिस तो करना ही है कि कौन कौन से डिडक्शन आएगी यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें कर लेगा, कैश में कितना है नहीं करना, बस ध्यान से आपको कौन पढ़ना है, एक बार पूरा फॉर्म को जरूर पढ़ लीजिएगा सारी चीजें। तो देखिए अब तो पढ़ के आपको सारी चीजें पता चल जाएगा। इसी तरीके से ATD का अलग बनाया हुआ है और ATGGA का अलग बनाया हुआ है। इसके बाद चैप्टर 6 मतलब इसके अंदर ATC के सीरीज मिलेगी, काफी बच्चे नीचे ढूंढेंगे तो शायद ना मिले, ATC चैप्टर 6 के अंदर डाला हुआ है सारा। सर इसके बाद और आगे आ जाते हैं, ठीक है मैं डायरेक्ट फॉर्म के अंदर आ जाता हूं, चीजों को मैं ओवरव्यू कर दूं, ठीक है यहाँ आ जाते हैं सर। तो पार्ट ए, पार्ट जनरल कैपिटल गेन भी पता चल गया कब भरना है, शेयर्स वाला भी पता चल गया, इसके अंदर प्रोविजन भरना है, ये आपका ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाता है। BFLA मतलब बैलेंस शीट है एक तरीके से, जहां पे एसेट्स लाइबिलिटी ऑटोमेटिक शो होगा। ATG का, ATD सर, ATC कहाँ मिलेगा आपको, चैप्टर 6A के अंदर ATC मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद AMT शेड्यूल भरना है हमें, कितने एसेट्स कितने लाइबिलिटी, मैं भरूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारे आपका किसी काम का नहीं है आपके एग्जाम के लिए, हाँ इतने होते हैं रियल लाइफ के अंदर लेकिन आपके एग्जाम के लिए काम का नहीं है सर। पार्ट बी, IT ये सब छोड़ देना है, सॉप वगैरह नहीं आएगा। हाँ TDS का सेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, क्योंकि आपका TDS कटा होगा तो यहाँ पे डिटेल भरना है, जैसे कि टिन नंबर था वहाँ पे टिन नंबर भरना है, किसने काटा कितने रुपये काटा नहीं काटा, यहाँ भर के सीधा सीधा हम वैलिडेट कर देंगे। तो सर एक मैं कह सकता हूँ कि टिन नंबर वाली पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थी जो कि आपको भरना है, टिन नंबर TDS वाला। लास्ट में वेरिफिकेशन पूछेगा सर, वेरिफिकेशन में जैसे ही करेंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाती है, और इस वेरिफिकेशन में जाने के बाद आपका यहाँ पे पेन नंबर आ जाएगा, सारी चीजें पीछे बैकडेट से होगा, और यहाँ पे वैलिडेट करने के बाद लास्ट में यहाँ पे होम प्रीवियस पेज पे भी जा सकते हैं, जनरेट आपका जेएस ऑन फाइल होता है ये बेसिकली। तो जैसे इसको हम जनरेट करेंगे जेएसओन फाइल, तो ये पूछेगा और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, सेव होता है ये, अभी फॉर्म फिल नहीं किया शायद, मैं आपको जब डेस्कटॉप पे लेके जाऊंगा तो सारी चीज़ें बता दूंगा। तो बेसिक बेसिक सर फॉर्म में एक मोटी मोटी एक बार आप बात फटाफट से क्विक रिवीजन कर दो ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है सर। अभी लीजिए सर क्या क्या आपको पता होना चाहिए इसके अंदर से, क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं सर। जब आप कॉलेज में तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन सारी भरनी आनी चाहिए, दूसरा सैलरी का शेड्यूल पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ क्या जाएगा, फॉर्म भरूंगा तो आपको क्लियर दिख जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी का आपको पता होना चाहिए क्या होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट कितना इंटरेस्ट देंगे नहीं देंगे। सर CG का पता होना चाहिए, CG का इतना ज्यादा इंपैक्ट आएगा नहीं लेकिन मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको। 112A शेयर ये CG का ही पार्ट है, कुछ चीजों को जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए उसको अलग कर दिया उन्होंने। फिर सीधा अदर सोर्स का पता होना चाहिए, इंटरेस्ट हो गया आपका, चाहे आपका TDS हो गया इसका, या फिर डिविडेंड हो गया या गिफ्ट हो गया, वो अदर सोर्स के अंदर आ जाता है। इसके बाद और बाकी कोई काम का नहीं है। आगे आपका ATG पता होना चाहिए सर, ATG के बाद ATD, ATGGA और AT भी आपका किसी काम का नहीं है। चैप्टर 6 में 6A के अंदर आपके ATC से रिलेटेड डिडक्शन, इस बात का याद रखिएगा, ढूंढने की जैसे कई बार मिलता नहीं है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। इसके बाद सर कोई भी पार्ट काम का नहीं है आपका फिलहाल, एक बस शेड्यूल वाला मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर डाल दूंगा, एक आपका आपका TDS वाला काम है, लास्ट में वैलिडेट करके जेसन फाइल बनाना है, जेसन फाइल बनाने के बाद उसे अपलोड किया जाता है इनकम टैक्स के फाइल में।
अब मुद्दे की बात आती है, सर ये वाली हमें शीट मिलेगी कहाँ से? नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे गूगल पे, जैसे कि यहाँ पे क्योंकि मैं काम जो कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो मैं लैपटॉप पे दूसरे स्क्रीन में बता दूंगा कि ये एक्सेल फाइल मिलेगी कैसे, कहाँ मिलेगी। बेसिकली आपको कॉलेज से तो दिया जाएगा। तो होपफुली आपको सिर्फ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने ओवरव्यू दिया है कि कैसे फिल करना है। इसके बाद चलिए हम आगे अगली वीडियो के अंदर, मैं इस वीडियो को थोड़ा कट कर देता हूँ फटाफट। देखिए 1x 2x में ओवरव्यू दिया है मैंने। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, उसके अंदर हम मैं पार्ट वाइज पहले जनरल इन्फॉर्मेशन, फिर सैलरी, अदर सोर्स, सबको एक एक पार्ट करके कर दूंगा ताकि आपको ठीक रहे। हाँ, मैं क्वेश्चन जो पहले करने वाला हूँ मैं अगेन मैं बता दूँ सर, यही क्वेश्चन करूंगा। और इन सभी क्वेश्चंस के आपको पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, 6-7 केसेस, उसी में से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, नॉर्मली उसी टाइप का होगा, तो वो आप कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं, इसी तरीके से हम अगले फेल जो करेंगे उसके ऊपर आएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।